अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। तो बताइए यहां जो है कि कोई फायदा नहीं है, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट है, जैसे ही वह आया मैं चला गया। जैसे ही अक्सर हम लोग यूज करते हैं कि जैसे ही ये हुआ तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया। मैं आपसे जी भर के बातें करना चाहता हूं, मैं आपसे जी भर के मिलना चाहता हूं, मैं जी भर के खाना चाहता हूं, मैं जी भर के सोना चाहता हूं। तो यानी कि जी भर के, क्या है जी? जी भर के। इसको कैसे बोलेंगे? फिर है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है, सफल होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। तो कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, या जा सकता है या जा सकती है, इसको हमें कैसे बोलेंगे? यानी कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह सच है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब ये वाला हम कैसे बोलेंगे भाई? अक्सर हम लोग डेली यूजेज सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, रोजाना बोले जाने वाले वाक्य में अक्सर हम लोग ऐसा सुनते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर अंग्रेजी में हमको बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक करके सीखते हैं अब कि इन सभी को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। आपसे हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर अंग्रेजी को सीखते हैं। वेलकम बैक। तो गाइज यहां पर फर्स्ट जो है कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इट्स नो यूज, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बोले तो वर्ब में आईएनजी लगा देना है, जैसे ईट द ईटिंग, बीट बीटिंग, सिट सिटिंग, रीड रीडिंग, टीच टीचिंग, इत्यादि इस तरह से बोल सकते हैं। तो कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, शॉर्ट में हम लोग बीफोर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? आराम से बोल सकते हैं इट्स नो यूज। अब उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग नाउ, बहुत इजी है। नेक्स्ट है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ। तो देखिए कितने इजी है, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग नाउ, और क्या है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ। इसी तरह से आप कई सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि वहां जाने से अब कोई फायदा नहीं है, आपको उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइज यहां पर नेक्स्ट वाला है जैसे ही। अब जैसे ही किस तरह सेंटेंस आ सकता है? जैसे जैसे ही मैंने उसे देखा मैं आश्चर्य हो गया, जैसे ही वह खड़ा हुआ अचानक गिर गया, जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरी मम्मी खाना लगा दी। तो गाइज इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो गाइज यहां पर जो है जैसे ही, इसका अंग्रेजी होगा द मोमेंट, या तो फिर एक और बोल सकते हैं एज सून एज। जैसे मान लीजिए जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उसे प्यार हो गया, कैसे बोलेंगे? तो हम जैसे ही का दो होता है द मोमेंट या एज सून एज, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम लिखते हैं द द मोमेंट आई साहर में प्यार हो गया, तो क्या हो जाएगा? आई फेल इन लव विथ हर। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उसे प्यार हो गया, द मोमेंट आई साहर आई फेल इन लव विथ हर। गाइज नेक्स्ट वाला है जैसे ही वह आया मैं चला गया, जैसे ही वह आया मैं चला गया। तो आप यहां बोल सकते हैं, यहां दो मोमेंट लिए थे, इस बार हम लोग एज सुन एज, तो क्या बोलेंगे? एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आया, एज सुन एज ही केम, मैं चला गया, तो क्या हो जाएगा? आई लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे ही वह आया मैं चला गया, तो क्या बोलेंगे? As soon as he came I left, as soon as he came I left। गाइज नेक्स्ट वाला है जी भर के। जैसे मैं जी भर के जीना चाहता हूं, जी भर के आपसे बातें करना चाहता हूं, जी भर के मैं वहां खेलना चाहता हूं, मैं जी भर के सोना चाहता हूं। गाइज इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, तो जी भर के इसको हम कैसे बोलेंगे? तो गाइज जी भर के जो होता है वो होता है टू हर्ट्स कंटेंट। क्या बोलेंगे? टू हर्ट्स कंटेंट। जैसे यहां पर है आज मैंने जी भर के आम खाया हूं, तो क्या बोलेंगे? टूडे आई हैव eaten mangoes to my heart's content। तो गाइज देखिए बहुत सिंपल है,
आज मैंने जी भर के आम खाया हूं, टुडे आई हैव ईटन मैंगोज टू माई हर्ट्स कंटेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जाओ और जी भर के मजे करो, जाओ और जी भर के मजे करो, सिंपल सी बात है, इसको ही बोल, गो एंड हैव फन टू योर हार्ट्स कंटेंट। तो गाइज बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं, जी भर के मतलब टू हर्ट्स कंटेंट। किसी भी हद तक जाना, कुछ भी काम करने के लिए बोलते हैं ना कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, तो किसी भी हद तक जाना या कुछ भी करना, कुछ भी कर सकता हूं मैं, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं या उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो ऐसे को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं गो टू एनी लेंथ। क्या बोलेंगे, गो टू एनी लेंथ, किसी कुछ भी करना या किसी भी हद तक जाना, गो टू एनी लेंथ। जैसे मैं सफल होने के लिए कुछ भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल गो टू एनी लेंथ, एनी लेंथ टू बी सक्सेस। मैं सफल होने के लिए कुछ भी करूंगा, आई विल गो टू एनी लेंथ टू बी सक्सेस। तो सिंपल है गाइस, आई विल गो टू एनी लेंथ टू बी सक्सेस, आई विल गो टू एनी लेंथ टू बी सक्सेस। नेक्स्ट वाला है, उसे अपना बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, उसे अपना बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल है, बोल देंगे ही कैन गो टू एनी एनी लेंथ टू मेक हर हिज, उसे अपना बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इस तरह से आप डेली यूजेज में आप यूज कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाना या कुछ भी करना, उसको हम बोलेंगे गो टू एनी लेंथ। तो गाइज हमारा अंतिम एवं तो गाइज हमारा नेक्स्ट एवं लास्ट है, वो है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, जैसे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वह चला गया। तो गाइज इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस जो है ना बोले जाते हैं, तो यहां पर जो है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं इट्स हार्ड टू बिलीव मी, इट्स हार्ड टू बिलीव मी। जैसे मान लीजिए मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह सच है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह सच है, तो क्या बोलेंगे, सेम टू सेम यही उतार देंगे, तो बोल सकते हैं कि इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट दिस इट्स ट्रू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह सच है, इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट इट्स ट्रू। बहुत सिंपल है, इस तरह से काफी सारे आप यूज कर सकते हैं, मतलब क्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इट्स हार्ड टू बिलीव मी, और इसका के जैसे भी सेंटेंस आएंगे बड़े आसानी से आप उसे बोल सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, आपको मैंने पांच प्रकार के सेंटेंस सिखाया हूं अंग्रेजी में कि कैसे बोलेंगे, और वही पांच में से एक एक सेंटेंस मैं आपको वर्क के रूप में दिया हूं, इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे या तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। और साथ साथ एक और चीज, जाते जाते कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई कॉस्ट नहीं लगती है, तो कर दो ना यार, इसमें सोचना इतना क्या। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज स्टडी प्लेयर को फॉलो जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।